काफी खूबसूरत ये जो फीडर है तो गाइस मेरे तो यहाँ पे मेरे मोंग पैरोट है, देख सकते हैं यहाँ निकल चुके अभी अंदर ही ब्रीडिंग किए और इन्हें नेस्टिंग करना, मोंग जो पैरोट होता है इन्हें नेस्टिंग करना बहुत ज्यादा गैस पसंद है। अगर आप टिंके झाड़ू के जो टिंके होते हैं वो देंगे तो वो ऊपर ले जाकर, ये पहला ऐसा पैरोट है जो खुद से नेस्टिंग करता है। और ये नहीं कि मोंग जो पैरोट है ये टिंको से अपना घोंसला बनाता है, अगर आप इसे टिंका देंगे तो ये काफी अच्छा से ये घोंसला बनाएगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड जो मेरा ये मोंग पैरोट है, ये देखिए गाइस ये जो मेरे मेल और फीमेल दोनों के दोनों अभी बाहर है और ये लोग अंडे पे थे, तो क्या पता अंडा खराब हो गया या क्या हो गया। तो चलते हैं चेक करते हैं अंडे पे बच्चे आए या नहीं आए, क्योंकि ये देख सकते हैं कि दोनों मेरे जो मोंग पैरोट है ये देखिए ब्लू मोंग ये बाहर में खड़े हुए हैं। तो अब मुझे देखना होगा कि ये लोग का बच्चा आया है या नहीं आया है, ये अंडे खराब हो गए हैं। तो चलते हैं और इसके बॉक्स में चेक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे तो वाह, ये देख सकते हैं एक बच्चा जो है ये मोंग पैरोट का मेरा फाइनली में ये उठ चुका है। ये देखिए कितना बड़ा भी हो चुका और एक अंडे हैं और इसके मेल फीमेल जो काफी ज्यादा यहाँ से डर रहे थे, ज्यादा तंग नहीं करते हैं क्योंकि ये लोग काफी ज्यादा एग्रेसिव है। ये देखिए जो मेरी फीमेल थी वो जा रही है अंडे पे और एक बच्चा और एक अंडा भी है अभी, तो देखते हैं वो अंडा से बच्चा कब आता है। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हुआ फ्रेंड क्योंकि एक बच्चे जो पहले भी वो उठ चुके और काफ़ी ज़्यादा ये बड़े भी हो चुके, आपने देखा कि वो अच्छे खासे बड़े भी है वीडियो में। मैंने इसे झाड़ू के टिंके ये देख सकते दे दिया हूँ, लेकिन मेरे जो बर्ड है ये काफ़ी अच्छा बर्ड है और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये जो बिचाली है इसे दे दिया ताकि ये अपने घोंसला ये खुद से बना सके और ये खुद से बनाते हैं और अच्छा ब्रीडिंग करते हैं। ये सारे भाई जो मुझसे कह रहे थे मोंग पैरोट के बारे में, मेरे सब्सक्राइबर जो मुझे कमेंट में पूछ रहे कि आप मोंग पैरोट के लिए एक पर्सनल वीडियो बनाए, तो मैं आज आप लोगों के साथ ये लोगों का बात जो है ये शेयर किया हूँ कि ये किस तरह से रहते हैं और क्या इसके जो एज की बात करें तो ये 2 साल में ब्रीडिंग करते हैं। ये ब्रीडिंग जो इसका एज है ये 2 साल में ब्रीड करते हैं और ये 20 से 30 साल तक ये लोग जीते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा प्लेफुल बर्ड होते हैं गाइस। ये देखिए हेलो हेलो हेलो, तो ये देखिए गाइस ये कितना प्यारा सा मेरा बर्ड है, ये देखिए वाह। और मोंग बर्ड ये लोग खाने की बात करें तो ये लोग सीड में जिस तरह मेरे पास आप सनकनूर देख सकते हैं पैरोट, तो उसी तरह ये लोग भी खाते हैं। ये फ्रूट वेजिटेबल ये फ्रूट हो गया वेजिटेबल्स हो गया ये सब ये लोग पसंद करते, ज़्यादा ये लोग खाना सीड मिक्स पसंद करते। तो आओ यहाँ पे, हाँ तो ये सीड मिक्स खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं गैस। तो आप इसे सीड मिक्स दें और फ्रूट वेजिटेबल भुट्टा ये सब दें ताकि ये लोग भी अच्छे से ब्रीड करते हैं। तो फ्रेंड ये मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खेलते रहती है और बहुत ही मेरा प्यारा सा बर्ड है और इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है। फाइनली गाइस आज मैंने आप लोगों को मोंग पैरोट के बारे में बताया, तो आपका हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं और मैं किस टॉपिक पर वीडियो बनाऊं आप लोगों के लिए ये भी कमेंट में बताएं। तो मैं फिर हाजिर होता हूं एक नए टॉपिक एक नए वीडियो के साथ, जब तक अपने और अपने बर्ड्स का इसी तरह केयर करें और मुझे दुआओं में याद रख के फ्रेंड चलता हूँ। अल्लाह हाफिज़।